नमस्ते और प्रणाम, स्वागत है आपको हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज अपने सामने है भैबरू हेमर, तो उसी के एक साहब हैं, सर हैं, इंजीनियर सर। तो चलिए उनसे हम पूछते हैं कि किस काम में आता है और कैसे ये क्या होता है। सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। ये भैबरू हेमर किस काम में आता है? ये भैबरू हेमर जैसे कि अपना मेट्रो प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि अपना जैसे दलदली एरिया होता है, उस जगह पे क्या होता है, जैसे दलदली एरिया में क्या होता है, अधिकतर जो होता है ना मिट्टी खसक जाती है, मशीन गिर, जहाँ पे क्या होता है एक एंकल गाड़ गाड़ के उसका किन्नौर बना के और फिर एंगल गाड़ते हैं 20-20 फुट के। तो उसमें क्या होता है जो दलदल वाला एरिया को कवर करके और बाकी बीच सेंटर में अपन जैसे पिलर खड़े करते हैं या मेट्रो के जो भी जो पिलर वगैरह है या रोड कंस्ट्रक्शन का काम है वो से काम में ये काम आता है भाई। और ये बनता कहाँ है, इंडिया में मिलता है क्या? इंडिया में तो कहीं इसका ब्रांच नहीं है, इसका जामनगर ब्रांच है, गुजरात जामनगर में ब्रांच है, सौराष्ट्र। ओके, और इसका है ना सबसे पहले अपन को ये क्या है पेड़ देखना जरूरी है, ठीक है, ये नट बोल्ट वगैरह आपको चेक करना रहता है डेली रोज डेली चेक करने का, ठीक है। और बाकी ग्रीसिंग वगैरह सब इधर, इसमें ग्रीसिंग होता है, इसमें होता है स्विंग वगैरह, स्विंग मोटर जरूर देखना, इसके नट बोल्ट वगैरह लूज ना हो जाए, ठीक है। और प्लस इसका जो ये पाइप वगैरह सब एक बार चेकिंग कर लेने का, टोटल चलाने से पहले एक बार मोमेंट करके जैसे अब स्विंग को अप डाउन करके और चेक करके आराम से इसको सही तरीके से बता देंगे। सबसे पहले इसका सर्विसिंग का सिस्टम, सर्विसिंग का इधर आइए ये सर, एक तो यहाँ पे इसका ड्रेन दे रखा है, ड्रेन बोल्ट है, हाँ ड्रेन बोल्ट है, ठीक है, और उधर डालने का सिस्टम, ठीक है, इधर ऊपर से डालेगा, ऊपर से भी डालने का है। अच्छा, यहाँ पे 4 लीटर ऑयल डलेगा इसमें, डब्ल्यू गेयर ऑयल 10W, ठीक है, 90 नंबर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कितने घंटा में इसको सर्विसिंग करना रहता है? इसका सर्विसिंग तो देखो इसको मैं बताऊँ 250 घंटे में सर्विस कर देना, 250 घंटे, ठीक है। और ये नट बोल्ट जरूर इसका ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है, जैसे ये चेक नट है इधर। अच्छा, ये तो पहले से फिटिंग है तो ये ढीला हो जाता है क्या? कैसे ढीला? तो जैसे इसका वाइब्रेशन ही इतना 320 bar 20 प्रेशर रहता है, तो कहीं पे जैसे लूज तो होता ही होता है। वैसे ऑलरेडी हम थ्रेड लॉक टाइट लगा के ऑलरेडी कंपनी ऑलरेडी भेजता है, पर बाय द वे जैसे कहीं लूज हो गया बोल्ट वगैरह कहीं लूज हो गया तो कुछ मतलब इसके लिए आपको चेक करना जरूरी है, बस चेकिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि खास करके इसमें ज़्यादातर ध्यान क्या देना है? ज़्यादातर ध्यान देने का है जैसे कि पाइपिंग फटा तो नहीं है, पाइप जो इमरजेंसी के लोग है ना इसका पाइप जरूर ध्यान देने का है तुमको, ये पाइप कहीं फटता तो नहीं है, ऊपर जो एंगल उठा था ना ऊपर से गिर जाए वो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसकी पाइप पे कहीं अपन को जैसा स्विंग करते हैं तो कहीं फंस ना जाओ, ठीक है। अच्छा, क्या ये पूरा स्विंग होता है चारों तरफ? क्या ये चारों तरफ स्विंग हो जाता है? आप जिस तरह रोटेशन में घुमाना चाहेंगे उस तरफ घूम जाएगी, पर जरूर पाइपों का ध्यान जरूर रखना है अपन को, रोटेशन तो घुमा लिया तो पाइपों का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और ये नीचे क्या दे रखा है? इसमें जो नीचे है ना ये जो अपन जैसे एंगल को उठा के और इसकी पोजिशन पर लाना होता है, जैसे एंगल उधर कहीं नज़दीक में गिरा है तो उसको सेंटर में लाने के लिए ये हुक दे रखा है, ठीक है, इसको हुक से उठा के अपन यहाँ पे सेंटर में ला सकते हैं, इसको सेंटर में लाने के बाद में इसका ये टिप पॉइंट है इधर, और उठाने से पहले टिप पॉइंट जरूर देख लेने का, इसका टिप पॉइंट इधर से आके दिखाना, ये टिप पॉइंट है ना ये उठाने से पहले एक बार जरूर देख लेने का, ठीक है। ये वाला टिप पॉइंट जब तक क्लियर नहीं लग जाए, डायरेक्शन हेल्पर डायरेक्शन नहीं दे सके जब तक आपको उठाने का नहीं है, ठीक है। हेल्पर डायरेक्शन देगा हाँ क्लियर है तो ही उठाने का एंगल, ठीक है। अच्छा, ये ऑपरेट कैसे होता और है? और इसमें इमरजेंसी के लिए एक आप पे ना एक्स्ट्रा बेल्ट भी लगा देने का, ठीक है, एक्स्ट्रा बेल्ट भी लगा बेल्ट लगा देने का, तो आपका सेफ्टी भी रहेगा और दूसरा आदमी का भी सेफ्टी रहेगा। वैसे ऑलरेडी कंपनी देती है इसमें बेल्ट लगा के रखी है, क्योंकि 20 फुट के हाइट पे कभी भी क्या हो सकता है, देखो वो लगा के जरूर रखना है सेफ्टी के लिए, है ना। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है? ऑपरेटिंग लीवर अलग आता है कि वही लीवर सब इसका अलग रहता है, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पेडल रहता है। और वाइब्रेशन तो आपको उधर अंडर स्केबिन से जो सब सिस्टम
तो चलिए एक बार केबिन से भी बता दीजिए। ये जो सिस्टम है ना साइड हो जाएगी आप, और ये वाला अपना जैसे लोक, अपना जैसे एंगल उठाने का है लोक का है, ठीक है, तो जो टीथ है उसका टीथ का है, और ये दूसरा वाला इधर चलेंगे ना तो ये स्विंग का है, और ये स्विंग का अपना दूसरा वाला लीवर, और एक स्विंग इधर दे रखा है, ठीक है, इसमें अच्छा वो लीवर में, और ये अपना जो वाइब्रेशन का ये पेडल है ना, ये वाला वाइब्रेशन मारने का है, ठीक है, वाइब्रेशन जब भी मारने का है जब उधर लॉक पूरा एकदम क्लियर लग जाए, ठीक है, तो ही लॉक वाइब्रेशन मारने का, अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन मार दिया तो एंगल बेंड भी हो सकता है, एंगल छूट भी सकता है, ठीक है, वो जरूर ध्यान रखने का, जब तक लॉक में बैठेगा नहीं, ठीक है, वो जरूर ध्यान रखना है ना, लॉक में बैठने के बाद वाइब्रेशन मारने का, पूरी लॉक क्लोज करके, लॉक क्लोज करके एक दो बार पेडल मार के देख लेने का, बढ़िया भी लॉक लग गया ना, ठीक है ना, वो जरूर ध्यान देने का आपको, है ना, ओके ओके, उसके बाद वाइब्रेशन, वो डायरेक्शन रहेगा उधर हेल्पर आपको तो ही उठाने का ऊपर, ठीक है, कहीं एंगल फंसा नहीं है तो एकदम से कहीं फंसाए तो अपन झटका दे कर निकालेंगे तो एकदम कहीं गिर ना जावे, ऐसा ध्यान जरूर देने का, ओके, और बाकी तो बढ़िया है, बाकी सब देखते रहेंगे, ठीक है, ओके, चलिए अब थोड़ा ऊपर भी बता देते हैं, बता दीजिए थोड़ा, हाँ तो 1000 मालूम नहीं, हाँ ठीक है सर, चलिए सर इधर क्या क्या सिस्टम है एक बार बता दीजिए सर, ये जो कंट्रोल वाल लगा है ना, हाँ इसको जरूर देखते रहने का कहीं लीकेजिंग ना हो जाए, ठीक है, ये अपना है, इसको ध्यान से देखते रहने का कहीं लीकेज ना हो जाए, इधर ये सोलेनोइड लगा है, इनको भी बढ़िया देखते रहने का कभी कभी, अच्छा ये सोलेनोइड है, इनको भी देखते रहने का, जैसे सवेरे मशीन चालू करते हैं ना एक बार आप, हाँ। तो देखते हैं इनको एक बार जरूर चेक मार लेने का भी कहीं लीकेज तो नहीं मार रहा है ना, हाँ। ये जो जरूर है इनको पूरा सेफ्टी के साथ में देख लेने का, फिर उसके बाद मशीन चालू करने का, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर इतना बताने के लिए, धन्यवाद, बाकी दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, नमस्ते सर, नमस्ते।